यस क्लास सेवन, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ नौ क्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया का मतलब होता है करना। क्रिया मतलब किसी कार्य को करना। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में हमें उसके अंत में ना प्रत्यय लगा हो, वो सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि रोना, गाना, हंसना, पढ़ना, चलना, उठना, बैठना, ठीक है, तो ये सब क्रिया शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं संवाद के रूप में, आप एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। यशोदा एंड कान्हा, मैया और कान्हा के, इनके बीच में ये संवाद है, जो वाक्य है, इसकी रीडिंग करिए। यस बेटा, काव्या बोलो। मैम रीडिंग करूं? यस यस। यशोदा, कान्हा तुम फिर से माखन गिरा रहे हो। हाँ, अब देखो इसमें यशोदा जो माता है अपने पुत्र कान्हा को एक वाक्य बोल रही है कि कान्हा तुम फिर से माखन गिरा रहे हो। गिरा रहे हो क्या है? ये क्रिया है। आपने देखा यहाँ पर येलो कलर से ये किया है, तो ये गिरा रहे हो क्रिया है। यस। फिर कान्हा ने जवाब दिया, कान्हा क्या बोलते हैं? मैया, मैं माखन खा रहा हूँ। यहाँ गिरा रहे हो और यहाँ खा रहा हूँ। गिराना और खाना दोनों ही क्रिया हो गया, क्रिया है। हाँ। अब मैया फिर से बोलती है, माखन समाप्त हो जाएगा खाना, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, माखन ही माखन खाते रहोगे, तो माखन समाप्त हो जाएगा, यानी सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो समाप्त हो जाएगा, होना भी क्रिया है, हो जाएगा होना भी क्रिया है। इसके बाद कान्हा, मैया ऊपर छीके पर भी तो टंगा है, टंगना ना, यानी कि ये इतना माखन समाप्त हो जाएगा, लेकिन और भी तो माखन है। टंगा यानी कि टंगना भी क्रिया है। आप मथती जाइए, करना मतलब मथना, जो माखन बिलोते हैं ना दही में से माखन निकालने के लिए, तो आप मथती जाइए, मैं खाता रहूंगा। आप मतलब मक्खन निकालते रहिए और मैं खाता रहूंगा, तो मथना भी क्रिया है। मथती यानी मथना भी क्रिया है, और खाता यानी खाना भी क्रिया है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि वाक्यों में रंगीन शब्द किसी काम के होने या किए जाने के बारे में बता रहे, या तो हो रहा है या तो किया जा रहा है, जैसे कि गिरा रहे हो, खा रहा हूं, हो जाएगा, टंगा, मथती जाइए, खाता रहूंगा, ये सब जो है या तो होने या किए जाने के बारे में बात बता रहे हैं। ठीक है, अब किसी काम के होने या करने के बारे में बताने वाले शब्द को ही हम क्रिया कहते हैं। अब आपका जो पाठ है क्रिया, वो क्या है कि किसी काम के होने या करने के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। बच्चों, वाक्य में क्रिया का सबसे अधिक महत्व होता है। अगर वाक्य आप बनाते हैं तो जब तक क्रिया अंत में नहीं जुड़ती, तब तक आपका वाक्य पूरा नहीं होता। इसलिए वाक्य, जब हम वाक्य में बनाते हैं, उस समय क्रिया का उसमें सबसे अधिक महत्व होता है। क्रिया के बिना वाक्य को पढ़ने में से कोई अर्थ नहीं होगा। अगर हम क्रिया के बिना वाक्य बना देते हैं, राम, क्या राम? एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे आपने बोला थी क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, तो मैम जैसे थी राम खेल, अब मैम जब तक हम उसमें रहा है नहीं लगा नहीं, तो मैम पता नहीं चलेगा राम खेल क्या। यही अभी मैं बताने जा रही थी दिव्यांशु, यही मैं बताने जा रही कि अगर जैसे हमने एक वाक्य बनाने जा रहे हैं, हमने बोला राम, क्या राम, क्या राम, आगे हमने जो बोल दिया खेल, क्या खेल, खेल रहा हूँ, खेलो या मत खेलो, कुछ तो उसके आगे हम पीछे हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर आपको जब तक कोई वाक्य में क्रिया नहीं लगेगी, हमारा वाक्य पूरा स्पष्ट अर्थ वाला नहीं बन पाएगा। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, जैसे कि खेल, पढ़, हंस, खा, ये हमारा मूल धातु है। उसके अंदर हम प्रत्यय लगा करके उस वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे मूल धातु होती है दौड़, दौड़ना, दौड़ रही है, दौड़ते हैं, दौड़ेंगे, ये सारे हमारे उसके धातु रूप लग जाएंगे, सॉरी इस धातु रूप में ये हमारे प्रत्यय लग जाएंगे। शुभम दौड़ रहा है, दौड़ रहा है,
अगर हम यहाँ पर सिर्फ दौड़ ही लिख देते, शुभम दौड़, तो वो दौड़ खाली दौड़, वो दौड़ता ही रहता पूरे टाइम, वो रुकता ही नहीं। क्या वे कल भी दौड़ेंगे? दौड़ का ही मूल शब्द दौड़ है, उसके अंदर हमने प्रत्यय चेंज कर दिया, रहा है दौड़ेंगे, ठीक है, हाँ वे कल भी दौड़ेंगे, ठीक है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं में एक शब्द समान रूप से है और सब में प्रयुक्त हो रहा है। देखो दौड़, दौड़ शब्द यहाँ पर भी दौड़, यहाँ पर भी दौड़, यहाँ भी दौड़ते, यहाँ भी दौड़ेंगे, यहाँ भी, सब में एक शब्द जो है समान है, ठीक है, वह दौड़ है। वह शब्द कौन सा है? दौड़। वह क्रिया का मूल रूप कहलाता है, जो एक ही शब्द एक जगह पर है मूल रूप से, तो वो उसको ही हम मूल रूप कहते हैं। तथा से सभी क्रिया रूप दौड़ से ही बने हैं, जैसे दौड़ेंगे, दौड़ रहा है, दौड़ते हैं, ये सब मूल रूप से ही बना है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे कि खेल, पढ़, जा, हो, ये सब हमारे मूल धातु के रूप में आते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आपके कुछ उदाहरण दिए हैं, वाक्य बनाया है और धातु उसमें से। आइए गाना गाइए, आइए गाना गाइए, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के मूल रूप धातु पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मूल धातु क्या है? आइए गाना गाइए, यहां पर आपका धातु इसके अंदर क्या है? गा, गा। हम नैनीताल गए थे, गए थे यानी जा, जाना है इसके अंदर। हम नैनीताल गए थे, जा। सप्ताह में दो, वह दो सप्ताह रहे, रहना, रह। हमें पहाड़ अच्छे लगते हैं, लग, लगना। अब यहाँ पर धातु में ना जोड़ा गया, सब जगह सारे साथ में ना जोड़ करके हम इसको क्रिया बना रहे। पढ़ है तो ना, गा है तो गाना, जा है तो जाना, आ है तो आना, है ना, रह है तो रहना। इन सब में हमने ना प्रत्यय, अब ये ना जो है वो प्रत्यय रूप है, ठीक है। इस मूल धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्रिया रूप बन गया, ठीक है। क्रिया के भेद, प्रयोग, कर्म और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद इस प्रकार से हैं। बच्चों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है मुख्य क्रिया, दूसरा होता है सहायक क्रिया। एक तो होती है मुख्य क्रिया, जैसे कि खेल रहे हैं, रहना, रहे हैं। इसके अंदर आप एक वाक्य देख रहे हैं, हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, इसमें अगर मैं आपसे बोलूंगी कि क्रिया अंडरलाइन करिए, तो क्या करेंगे? क्या है इसमें से? हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, बोलो बच्चों। यहाँ पर खेल और रहे दोनों क्रिया है, लेकिन मुख्य मुख्य क्रिया इसके अंदर खेल है। ओके, मुख्य क्रिया इसके अंदर क्या है? खेल। मुख्य क्रिया इसके अंदर खेल है और उसकी सहायता कर रहे हैं, रहे हैं, रहना भी उसकी जो क्रिया ही है, तो उसकी सहायता कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह से पानी पीते हैं, अब पानी पीते हैं में क्या है? पी, पी जो है वो मुख्य क्रिया है, ते हैं ये आपका आ जाएगा सहायक क्रिया। जानती हो, है ना, जानती हो, इसके अंदर क्या क्रिया मुख्य क्रिया है, बताओ जरा। मैम जानती, यस राइट, जानती। आगे हो, हाँ बोलिए मैम। हम उसमें ये भी तो सेंटेंस बना सकते हैं, राहुल पढ़ रहा है, मैम पढ़, मैम उसका क्रिया रहा है, मैम उसका सहायक। यस, ये तो क्रिया, आप वाक्य तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। मैं अभी वाक्य पर नहीं आई हूँ कि आप क्या क्या वाक्य इसमें, आप इसमें क्या क्या वाक्य और बना सकते हैं, ये अभी मैं आपसे नहीं पूछ रही। आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आ गई है कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं वाक्य में? ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, मुख्य क्रिया आपकी, जैसे पहले वाक्य में खेल, पी, जानती, ये हमारे मुख्य क्रिया है, उसकी सहायता करके इस वाक्य को पूरा कर रहे हैं, रहे हैं, पीते हैं, हो, ये इनकी सहायता कर रहे हैं, यानी सहायक क्रिया कहलाती है।
तो देखो ऊपर प्रत्येक वाक्य में क्रियापद को दो खंड में दिखाया गया है। पहली क्रिया मुख्य क्रिया है, जैसे खेल पी आदि, यह मुख्य अर्थ देती है, यानी खेल, हमारे खिलाड़ी, मैच, खेल, खेल से हमें पता लग जाता है खेलना खेल रहे, मुख्य अर्थ देती है। और आगे की जो क्रिया के समय के बारे में और उसके पूरा होने ना होने के बारे में बताती है, यानी कि खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, मतलब खेलेंगे, ये बताएंगी, ठीक है। दूसरी क्रिया की सहायता से क्रिया उसको पूरा किया जाता है, क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया है, हैं, रहे हैं, था, रही है, हूंगी, गे आदि, ये हमारे जो सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में अगर एक मूल क्रिया लगी हुई है उसके साथ सहायक क्रिया कौन कौन से होते हैं, हैं, रहे हैं, था, रही है, हूंगी, गे आदि, ये सब हमारे सहायक क्रिया का रूप होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं, दो, है ना, दो भेद बताए गए हैं, एक तो प्रयोग और दूसरा कर्म। पहला प्रयोग, दूसरा कर्म, ठीक है। पहला जो कर्म है उसके अंदर भी दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब दूसरा है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर भी दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना, सकर्मक और अकर्मक। पहला आपको क्रिया के कितने भेद होते हैं ये मालूम होना चाहिए। अब आपको यहीं पर देखोगे क्रिया, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक, मैंने ये लिखा, पर इस क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है कर्म के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, और फिर दूसरा आ गया कर्म के आधार पर, तो इसके अंदर भी दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैम जैसे प्रयोग के आधार पर मैम आपने बताया थी दो, एक मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया, तो मैम जैसे हम देते थे मैम सहायक क्रिया एक तरह से मुख्य क्रिया से ही सहायक क्रिया बना, तो मैम वो दूसरा टाइप है, टाइप दूसरा नहीं है बेटा, ये क्रिया का रूप है ना। आपको भी बताया मैंने कि अगर आप हमारे खिलाड़ी मैच खेल, तो जब तक उस वाक्य के साथ दूसरी इसकी सहायक क्रिया नहीं जोड़ोगे, ये दोनों एक है ना, अगर इसको नहीं जोड़ोगे तो आपका वाक्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए सहायक, इसको सहायक क्रिया बोला गया है, मुख्य और सहायक, सहायता करके, है ना, जो उसके साथ साथ चले, हमेशा साथ साथ चले, तो ये अलग नहीं है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये सहायक क्रिया है, इसलिए मैं आपको बोलूं कि इसके दो भेद है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ठीक है, ये आपको वाक्य में क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से कर्म के आधार पर दो भेद बताए गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में कर्म साथ में होता है और अकर्मक में कर्म साथ नहीं होता। अगर हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर कर्म होता है, जैसे सकर्मक है, तो हम प्रश्न पूछेंगे आपसे, उसका उत्तर आपको मिल जाता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जब हम आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया। राहुल खाना खा रहा है, मैं ये सकर्मक, और राहुल खाना, मैम राहुल खा रहा है, ये अकर्मक। अकर्मक, वेरी गुड दिव्यांशु, बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वाक्य में कर्म दिखाई पड़े, जैसे दीदी पत्र लिख रही है ना, दीदी लिख रही है। अब देखो यहाँ पर दो वाक्य यहीं पर बनाया गया है कि दीदी पत्र लिख रही है और दीदी लिख रही है। पहले वाक्य में कर्म है, क्या कर्म है, पत्र, क्या कर्म है, पत्र कर्म है। मैंने आपसे पूछा दीदी क्या लिख रही है पहले वाक्य में, तो आपने क्या, आप क्या जवाब दोगे, पत्र, पत्र। अब दूसरे वाले वाक्य में दीदी लिख रही है, तो मैं पूछूंगी दीदी क्या लिख रही है, आपको क्या पता वो पत्र लिख रही है, कविता लिख रही है, निबंध लिख रही है ना, आपको नहीं पता है, तो आपके पास इसका उत्तर नहीं है। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, दीदी जो लिख रही है वो कुछ भी हो, तो कुछ भी, पत्र, कहानी, कुछ भी। इसलिए लिखना क्रिया सकर्मक है, वाक्य में कर्म दिखाई देना आवश्यक नहीं, सकर्मक क्रिया को सदैव कर्म की अपेक्षा होती है, यानी कि कर्म उसके साथ। अब आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, पहले वाक्य में कर्म है, पत्र, क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उत्तर है। दूसरे वाक्य में कर्म नहीं है, पर लिखना क्रिया का कर्म कुछ ना कुछ तो होता ही है, जैसे यहाँ पर लिख रही है। अब आपको भी आपने बताया कि ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ये दीदी लिख रही है ये अकर्मक क्रिया नहीं कहला सकती, क्यों, क्योंकि दीदी लिख रही है, लिखना जो है उसका कर्म,
कर्म जो क्रिया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वो लिख ही रही होगी ना, लिखने का ही तो काम कर रही है। तो चाहे वो पत्र लिख रही होगी, चाहे वो कहानी लिख रही होगी, चाहे कुछ भी लिख रही होगी, इसलिए लिखना क्रिया सकर्मक ही होती है। जो लिखना क्रिया है, लिखना ये सकर्मक है। वाक्य में कर्म कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता, पर सकर्मक क्रिया को सदैव कर्म की अपेक्षा होती है, मतलब उसको हमेशा कर्म की जरूरत होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अब एक कर्मक क्या होता है? इन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। से खरगोश सो गया, कछुआ चलता रहा, लोग हंस रहे थे, ये जो है आपका एक कर्मक है। अब इनमें सोना, चलना, हंसना क्रियाओं का कर्म संभव नहीं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। खरगोश सो गया, सोना, कछुआ चलता रहा, चलना, लोग हंस रहे थे, हंसना, इसके अंदर सोना, चलना, हंसना ये क्रियाओं का कर्म। इसके अंदर क्या, कैसे सो रहा था, कहाँ चल रहा था, क्या हंस रहा था, ये आपके इसके साथ कर्म जुड़ नहीं रहा है ना, इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। चलना, उड़ना, दौड़ना, टहलना, घूमना आदि ये सारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सारे शब्द जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। अब तीसरा भी एक है, संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। एक तो सामान्य, संयुक्त, नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रिया, ये चार होते। सामान्य तो आपको जैसे पता है राधा ने दूध पिया, ये सामान्य है, पीना क्रिया है। पिताजी ने किताब दी, तुम अपना काम करो, अभिषेक ने नई गाड़ी खरीदी, ये सब सामान्य वाक्य है, ठीक है। इन वाक्यों में एक एक क्रिया है बस, पिया, दी, करो, खरीदो, एक एक, इसलिए ये सामान्य क्रिया कहलाती है। संयुक्त में देखो बच्चे दो होगा, संयुक्त में दो या दो से अधिक धातु से बने क्रियापद को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से वाक्य है, सभी बच्चे भीतर आ जाएं, आ गए, सभी बच्चे भीतर आ गए, इसके अंदर मुख्य क्रिया है आ और रज्जक क्रिया हो गई गए, है ना, आ गए, यानी आना भी क्रिया है और गए भी क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया, दो दो क्रिया है एक साथ। अपना अखबार दे दीजिए, दे भी क्रिया है, देना क्रिया हो गई, दीजिए भी क्रिया है रंजक। रोहित ने पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ना भी क्रिया है और लिया भी क्रिया है, तो दो ये संयुक्त वाक्य संयुक्त क्रिया कहलाएगी। कुछ प्रमुख रंजक क्रियाएं क्या होती है, जा, मर, डाल, ले, पढ़, दे, उठ, निकल, बैठ आदि, ये हमारे रंजक क्रिया होती है जो इनके साथ वाक्य में अंत में लगाए जाते हैं। और अगला है नाम धातु। नाम धातु कोई काम करवाना, आना, जिस वाक्य में, जिस शब्द में आना लग जाता है, कुछ ऐसी क्रियाएं भी है जिनके मूल धातु में न होकर, मूल धातु में न होकर कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती। जैसे सर्व है, ये क्या शब्द है, संज्ञा, क्या है बोलो, संज्ञा, संज्ञा, फिल्म संज्ञा, लाज संज्ञा, हाथ संज्ञा, इन सब में आना जोड़ दिया हमने, आना, शर्माना, फिल्माना, लजाना, हथियाना, रंग, लाज, सज्जा, बात में भी हमने आना जोड़ा, रंगना, ललचाना, सज्जाना और बतियाना, ये आना जो लग जाता है ये हमारा नाम धातु क्रिया बन जाता है। मैम इसमें हम ये बना सकते हैं, राहुल को समझाना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, समझ से समझाना, बिल्कुल सही, समझ आपका जो है संज्ञा शब्द है, सर्वंश, और समझाना आपका नाम धातु हो गया। सर्वनाम में भी इसी तरह से अपना, तो उसका अपनाना, तुम्हें ये कार्य अपनाना पड़ेगा, ये कार्य करवाना पड़ेगा, करवाना, आना जिसमें लग जाता है ये नाम धातु क्रिया बन जाती है। इसी तरह विशेषण से भी बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, जैसे कि गर्म, कोई भी चीज गर्म है, गर्म चाय, चाय आपकी गर्म होती है तो हम बोलते हैं ना गर्म चाय, तो गर्म जो है विशेषण है, उससे हम अगर क्रिया बनाते हैं नाम धातु क्रिया तो गर्माना। नर्म, मुलायम चीज कोई बोलते ना, तुम्हारे यहाँ बिस्तर बड़ा नर्म है, तो नर्म विशेषण शब्द है, नरमाना, गल, गलाना, साठ, सथियाना, दोहरा, दोहराना और लंगड़ा, लंगड़ाना, ये सब हमारे आपके नाम धातु क्रिया के अंदर आता है जिसके अंदर आना लग जाता है। अब अगला है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक बच्चा किसी से कार्य करवाना, वहां पर आपने देखा आना लगा था,
वहां पर क्या लगा था, क्या कौन सा शब्द लगा था, आना, आ आना। अब आप ये सोचोगे कि आना इस तरह से नहीं लिखना आपको आना, आपको जो शब्द है जैसे मान लो, मान लीजिए आपका शर्म है ये, है ना, ये शब्द है, इसमें आपको आना लगाना, तब इसके आगे आप क्या आना ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आना, ऐसे लिखोगे, बोलो जल्दी ऐसे लिखोगे। मुझे अगर मैं कहूंगी ये शब्द शर्म शब्द में आना जोड़िए, तो आप कैसे लिखोगे, शर्माना ऐसे लिखोगे? नो मैम। हाँ, नो मैम। नो क्यों? क्योंकि ये जो आ है ये स्वर है, और आप फिर इसको क्या करोगे, यहाँ माँ के ऊपर आ का एक मात्रा लगा दो, आ की मात्रा दर्ज में हम ना रख देंगे। हाँ बस, शर्माना। अब ये बन गया शर्माना, यानी कि ये राइट, ये राइट है और ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो आना, इसी को हम पढ़ते हैं आना, ये पढ़ते हैं हम आना, ठीक है, ये हो गया हमारा आना। इसी तरह से आपका ऋणार्थक है, इसमें वाना लगेगा, वाना, वाना। ये देखो क्या है, दिख रहा आप लोगों को, वाना, वाना। तो प्रेरार्थक में जैसे आप देखेंगे, प्रेरार्थक क्रिया जो होगी वो किसी से कोई कार्य करवाना, चलवाती है, चलवाई, चलवाना, करवाना, ऐसे आएगा, पिलवाना, ऐसे करके शब्द आएंगे वाना। अब इसमें भी आप देखोगे, पिटवाना। हाँ, तो अब आप इसमें भी आप देखोगे बेटा, वाना कैसे लगाओगे, देखो अब वाना कैसे लगेगा। मान लीजिए आपको कोई भी एक शब्द है ना, दूध पीता है, पीता लिखा है आपने, पीता। अब आपको सॉरी, यहां लिखो जरा, यहां लिखा है आपने पीता, अब इसमें आपको वाना जोड़ना है, कैसे बनाओगे शब्द बताओ? पिलवाना। तो अब आप सोचोगे ना, यहाँ तो ता है तो लॉ कैसे आ गया, है ना, तो पीता से पीना हो गया, पी, पी शब्द हो गया पीना, क्रिया पी, मूल धातु हो गई ना, और उसके आगे वाना, पिल, हाँ। तो अब जब हमें वाना लगाना है तो ये हमारा बन जाएगा पिलवाना। नौ, ठीक है, माँ नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, यहाँ पर वाती, अब वाना की जगह पर वाती भी जुड़ सकता है, यहाँ पर वाती भी जुड़ सकता है, वाना, वाती, वो शब्द उसके अंदर रहेगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। क्लियर? माँ नौकर से सफाई करवाती है, करवाती है ना, माँ माली से पौधे लगवाती है, ठीक है, पिताजी नौकर से बाजार से सब्जी मंगवाते हैं, ये सारे जो शब्द हैं इसमें वाता जो वो से वाना, मुझे राहुल से मिलवाना, हाँ तुम मुझे कल राहुल से मिलवाना, वाना, ये हमारे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो वाक्य में क्रिया का लिंग वचन सामान्यतः कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, जब वाक्य मालक खेलता, यहाँ पर लड़का है हरभजन, और यहाँ पर खेलता लिंग आपका यहाँ पर ता आ गया क्रिया में, अगर यहाँ पर लड़की होती गीता तो क्या लिखते, खेलती, है ना, इसी के अनुसार आपका लिंग वचन बदला जाएगा। अगर यहाँ पर एक एक लड़का है हरभजन तो यहाँ पर खेलता है, यहाँ पर बहुत सारे का नाम होता क्रिकेटर खेलते हैं तो खेलते हैं आ जाता है ना, तो ये वचन लिंग जो है इस कर्ता के अनुसार ही बदल जाता है। ये सारे वाक्य आपको देख करके समझ में आया होगा। अब यदि कर्ता के साथ परसर्ग ने से को लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है, जैसे मैंने लीची खाई, मैंने फल खाया, मैंने पूड़ियां खाई, तो सलभ से चाय नहीं बनती, खाना नहीं बनता, पराठे नहीं बनते, जैकब को हिंदी आती है, गणित आता है, गाने आते हैं, इस तरह से आप यदि कर्ता के साथ ये सारे परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती। कर्म क्या है, मैंने लीची खाई, लीची, लीची जो है फल है, उसके खाने वाली चीज है, ठीक है, फल है तो लीची एक स्त्रीलिंग है तो उसके साथ खाई लगा, फल है तो खाया लगा, पूरियां है तो खाई हो गई, है ना, इस तरह से आपके परसर के अनुसार ही क्रिया का अंत होगा।